हेलो एवरीवन, सो आज का टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर वन, द मेंटेलिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट ग्रू। दिस क्रिएटेड अ कंजेनियल एटमॉस्फेयर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज। स्वदेशी का मूल मंत्र यही था कि स्वयं से हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली पीपल के माइंड में सेल्फ डेवलपमेंट की जो मेंटेलिटी है, अवेयरनेस है, वो जागरूक हो गई थी। ओके, देयर वॉज अ फ्रेंडली, कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएटेड, एंड देयरफॉर अ नंबर ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे लोकली मेड गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज पीपल क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गुड्स या फिर फॉरेन मेड गुड्स को का बहिष्कार कर रहे थे, देवर बॉयकॉटिंग इट। Therefore, many big industries and small-scale industries came up. Now, let us see types of small-scale industries. Small-scale industries, वो industries होती है जिनमें कम पैसा, कम लोग, कम खर्चा लगता है. Okay? So, और छोटी चीज़ें होती है उसमें, छोटी चीज़ें बनाई जाती है. छोटी in the sense, like, देखिए, industries for producing mustard oil, soap, sugar, matchbox, etc. Okay, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है. सो दीज आर नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बिग इंडस्ट्रीज में आपके आ जाएंगे व्हीकल्स बनाने वाले इंडस्ट्रीज, ओके, देन पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फिर आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज, ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज हैवी इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल गुड्स जहाँ पे बनाए जाते हैं वो भी हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, ओके, केमिकल गुड्स अगर बनाते हैं तो वो हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखिए कि नेशनल बैंक एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज आ गई थी, ठीक है, उस टाइम तक नहीं थे ये, और इंडियंस के द्वारा बैंक खोले गए, इंडियंस के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भी आ गई। सो ये देखिए, स्वदेशी भंडार नाम की एक टेक्सटाइल फर्म या फिर कपड़ों का फर्म खोला गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन स्टोर्स नाम के खोला गया था बाय योगेश चंद्र चौधरी एंड कृष्ण बिहारी सेन। लक्की भंडार वॉज स्टार्टेड बाय सरला देवी हु बिलोंग्ड टू टैगोर फैमिली। यूनाइटेड बंगाल स्टोर्स एस्टैब्लिश्ड बाय अब्दुल हलीम गजनवी एट लाल बाजार, ओके, इन बंगाल ओनली, ओके, इन कलकत्ता ओनली, लाल बाजार में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था ये स्टोर। सो अभी हम लोग देखेंगे नीलरत्न सरकार, जगदीश चंद्र बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र रे, इन्होंने एस्टैब्लिश की थी बंगाल में हैवी इंडस्ट्री, वन ऑफ इट्स काइंड हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया एट दैट टाइम। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी हैवी इंडस्ट्रीज थी। ओके, सो पहले देखो, बंगाल लक्की कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन 1st August 1906 बाय होम, बाय नील रतन सरकार, नाम याद रखिएगा। बंगाल केमिकल्स, ये बहुत ही फेमस इंडस्ट्री है, अभी भी ये चल रही है, ओके, बंगाल केमिकल्स के नाम से बहुत सारे केमिकल्स दुकान में बिकते भी हैं, ओके, सो यू माइट हैव नोटिस्ड दैट। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 25 July 1906 बाय होम, बाय आचार्य प्रफुल्ल रॉय। ओके, नेक्स्ट वाज जमशेदजी टाटा हु एस्टैब्लिश्ड आयरन फैक्ट्री इन 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज़ अ रिनोड स्टील कंपनी एंड इट इज स्टिल रनिंग। ओके, सो इन सब की वजह से क्या हो गया, द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज वॉज लेड इन इंडिया, ओके, एज एन आउटकम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल समिट या फिर मीटिंग रखी गई थी बाय द, यू नो, द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, बिजनेस पर्सन्स, was held on 17th December 1905. It was the first industrial summit, Indian industrial summit, and it was convened under the chairmanship of whom, R.C. Datta, and it took place in place of Varanasi, Uttar Pradesh mein. All right, so aapka next topic hai the establishment of Muslim League as a consequence of Swadeshi movement. Bahut hi important topic hai. ओके, सो मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 30th December 1906 एट वेयर ढाका, विच इज़ इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश का कैपिटल है। सेकेंड पॉइंट इज, दिस मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम, बाय नवाब सलीमुल्ला एंड प्रिजाइडेड ओवर बाय नवाब बिकौर उल मुलक, ओके, मेमोराइज दिस नेम।
The aims of Muslim League were, क्या क्या aims थे उनके, to increase a sense of loyalty among the Muslims towards the British. Okay, so इसको कह सकते कि Muslim League was almost a counter to the Swadeshi movement. Okay, so Swadeshi movement में जहाँ British के खिलाफ आवाज़ लगाई जा रही थी कि people will not cooperate या फिर उनका सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वहीं मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था एक्सक्लूसिवली इस बात के लिए कि वो लोग ब्रिटिश लोगों के साथ या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे. ओके, मतलब वफादार रहेंगे. ऑल राइट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो लोग कभी खड़े नहीं होंगे इन प्रोटेस्ट. सेकेंड वॉज टू मेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम पीपल. तो उनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि वो लोग मुस्लिम लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या फिर उनके जो इंटरेस्ट है, कुछ भी इंटरेस्ट हो सकते हैं उनके पर्सनल मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट, वो ब्रिटिश लोगों के साथ बातचीत करके उनको अवेयर कराएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द मुस्लिम पीपल बाय रिमूविंग फीलिंग्स ऑफ फियर. तो मुस्लिम लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने के लिए. ऑल राइट, सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में. इन मार्च 1910 द हेड ऑफिस वॉज ट्रांसफर्ड टू लखनऊ. ओके, ढाका में इस्टेब्लिश हुआ था, फिर उसका हेड ऑफिस कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, लखनऊ में. बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 5 पॉइंट. मुस्लिम लीग को हम लोग ये नहीं समझेंगे कि उस टाइम पे जब वो एस्टेब्लिश हुआ कि सारे मुस्लिम इसको सपोर्ट कर रहे थे या फिर सारे के सारे मुस्लिम इससे इन्फ्लुएंस हो गए थे. नहीं, इट कुड ओनली इन्फ्लुएंस अ हाई क्लास कंजर्वेटिव मुस्लिम पीपल. ओके, जो हाई क्लास थे, अमीर थे और जो कंजर्वेटिव मतलब पुरानी सोच रखते थे, उनको ही मुस्लिम लीग ने क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सके. ओके, उनके यू नो मेंबर्स बने मुस्लिम लीग के, नॉट एवरी मुस्लिम. ऑल राइट,